हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ नो हबी मदर। और आपको आज मैं मेकअप दिखाने जा रही हूँ। जैसा कि नॉर्मली हम लोग दिवाली की शॉपिंग करनी है या कुछ भी है उसके लिए अपने घर से निकल के हम लोग शॉपिंग करने के लिए जब जाना होता है तो ना तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेकअप चाहिए होता है और ना ही बिल्कुल ही सिंपल चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने आज आपके लिए तैयार किया है एक बहुत ही सिंपल सा और घर के बिल्कुल ही छोटे मोटे सामान जो होते हैं घर के सिंपल उन सामानों के साथ में एक मेकअप, उसको आप देखिए कैसा आपको लगता है और बताइए मुझे कमेंट करके सर। मैं ये देखिए जैस बेबी लोशन यूज़ करने जा रही हूँ हिमालय का, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए बेबी लोशन बढ़िया रहता है। इससे आपके फेस को मॉइस्चर मिलता है, ड्राइनेस आपकी हट जाती है। इस तरह से करते हुए अपनी आईज के नीचे फॉरहेड, चिन सब पर अच्छे से लगाते हुए बेबी लोशन को मैं डब कर लिया है और अब मैं फेयर एंड लवली यूज करने जा रही हूँ। इसे भी मैंने आईज के नीचे नोज के साइड्स में और लिप्स के ऊपर नीचे चिन अपने फेस के चारों तरफ अच्छे से रब कर लिया है। और अब मैं लैक्मे पाउडर यूज कर रही हूँ। फेस पाउडर अभी ये मैं देखिए लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। इससे लिप लाइनर से फोटो में शेप्स अच्छे आते हैं। और अब मैं ये देखिए लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। इसका शेड देखिए आप, बहुत ही प्यारा शेड है। इस तरह से लिप्स को एक साथ लिपस्टिक अच्छे से लग जाती है होठों पर। ये देखिए लैक्मे का काजल यूज कर रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लैक्मे का काजल है। काजल अप्लाई करने के बाद में मैं ये आईलाइनर यूज करने जा रही हूँ। आईलाइनर के लिए आप हमेशा जब इस लाइनर को के ब्रश को निकालें तो निकालने के बाद में एक बार इसको धीरे से पोंछ लीजिए उसी से, और फिर
आपको हमेशा जब भी अगर परफेक्ट आईलाइनर लगाना हो तो उसके लिए आप अपनी आईज को यहाँ साइड के कॉर्नर से पकड़िए और फिर इस ब्रश से आप अपने स्मूथली खींचते हुए ब्रश को लगाइए आईलाइनर। दे सकते हैं। अब मैं देखिए तैयार हो चुकी हूँ। तैयार होने के बाद में मेरा मेकअप आपको कैसा लग रहा है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।